बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कभी गंदम की फसल के ऊपर आजकल आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर रहे हैं, जो आपको करना भी चाहिए। जड़ी बूटियां कंट्रोल होती हैं तो हमारी पैदावार बढ़ रही होती है, लेकिन हमारे काश्तकार दोस्त कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, यानी कि रिपीट स्प्रे करेंगे। जब आप इस फुहारे के साथ स्प्रे करेंगे, पौधे के ऊपर एक दफा इस तरह से स्प्रे होगा, दूसरी दफा इस तरह से स्प्रे होगा, डबल स्प्रे पौधों के ऊपर कर देंगे, फसल आपकी स्ट्रेस से अंदर आ रही होगी। या फिर आप ओवरडोज कर देंगे, यानी ज्यादा जहर की मिकदार स्प्रे कर देंगे, उससे भी आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाएगी। या आप तरवतर के अंदर स्प्रे कर देंगे, उससे भी फसल आपकी स्ट्रेस में आ जाएगी। जब फसल में स्ट्रेस में आ जाती है तो इसकी निशानी ये होती है कि पौधे की जो नोकें हैं वो पीली हो जाती हैं, बालकात पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है, बालकात पूरा का पूरा पौधा पीला हो जाता है, काफी ज्यादा आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाती है। हमारा काश्तकार दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशानी की हालत के अंदर वो एक या दो गलतियां कर रहा होता है, जिससे अपनी फसल को मजीद खराब कर लेता है। वो कौन सी गलतियां करता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। इस फसल को जो आपकी स्ट्रेस के अंदर आ गई है, इसे आपने स्ट्रेस से निकालना किस तरीके से है, इसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुताबिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कोई गंदम की फसल के ऊपर जड़ी बूटी मार जहर का स्ट्रेस लाजमी होता है। थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस आ जाए तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये स्ट्रेस फायदामंद होता है। आपके शगुफियों की तादाद में इजाफा हो रहा होता है, पौधा फिर ज्यादा शगुफे निकालता है, दबाव के अंदर ज्यादा शगुफे निकालता है, आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। लेकिन अगर जड़ी बूटी मार जहर का ज्यादा स्ट्रेस आ गया आपकी फसल के ऊपर, आपको पौधे पीले होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हमारे काश्तकार दोस्त परेशानी की हालत में क्या करते हैं कि फौरन पानी लगा देते हैं फसल को। वो ये समझते हैं कि पानी लगाएंगे तो पौधे खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जड़ी बूटियों वाले स्प्रे जो होते हैं ये डबल काम कर रहे होते हैं, ये पत्तों के जरिए भी जड़ी बूटियों को खत्म करते हैं, ये जड़ों के जरिए भी जड़ी बूटियों को खत्म करते हैं। जब आपने स्प्रे किया तो पौधों के ऊपर एक स्ट्रेस आया, जब आपने पानी भी लगा दिया तो जड़ों के जरिए भी जहर का असर तेज हो जाता है। जो पौधे आपके अभी थोड़े पीले हुए थे वो मजीद पीले हो जाते हैं, वो मजीद खराब हो जाते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, फसल को फौरन पानी आपने नहीं लगाना। बाद बात हमारे काश्तकार दोस्त क्या करते हैं कि यूरिया का छटा कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि यूरिया का छटा करेंगे तो फसल दोबारा से हरियाली के अंदर आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काश जो आपने एक दफा जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर दिया, फसल आपकी जो स्ट्रेस में आ गई है, इस वक्त फसल आपकी खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुकी है, सांस लेने का निजाम भी उसका बंद हो चुका है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। अगर आप उसे यूरिया का आप उसे छटा कर देंगे या यूरिया का फौरन स्प्रे करवा देंगे, आप अपनी फसल को मजीद स्ट्रेस के अंदर लेके आ जाएंगे, आपकी फसल केमिकल इंजरी का शिकार हो जाएगी। तो आपने यूरिया का स्प्रे नहीं करना, यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना, पानी आपने नहीं लगाना। स्प्रे करने के कम से कम 10 से 12 दिन के बाद आपने खेत को पानी लगाना है, और जब आप पानी लगाएं तो उसके साथ यूरिया का छट्टा भी करें, साथ में 2 किलोग्राम सल्फर 80% वाला वो फ्लड भी करें। और जैसे ही आपकी फसल वत्तर हालत में आए आपका खेत, तो उस वक्त आप अमाइनो एसिड का स्प्रे भी करें। किसी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड स्प्रे कर लें, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी इजाबियान के नाम से दे रही होती है, 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इसका आप स्प्रे करेंगे, आपकी फसल स्ट्रेस से बाहर निकलती हुई नजर आएगी। एक स्प्रे करें, ठीक 6 से 7 दिन के बाद दूसरा स्प्रे कर दें, आपकी फसल खुशहाली की तरफ आ जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये गलतियां आप नहीं करेंगे, और अगर ये गलतियां कर लेंगे तो इस तरीके से अपनी फसल को ठीक भी कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।